हाय, अभी रिसेंटली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने टेलीकॉम कंपनीज के सब्सक्राइबर्स के लेटेस्ट नंबर्स रिलीज किए। ट्राई के रिसेंट डेटा रिलीज के अकॉर्डिंग फेब 22 के मंथ में रिलायंस जियो ने अप्रॉक्सिमेटली 36.6 लाख वायरलेस सब्सक्राइबर्स लूज किए। इसी पीरियड में भारती एयरटेल ने 15.9 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए और वोडाफोन आइडिया ने 15.3 लाख सब्सक्राइबर्स लूज किए। अब आप अपनी स्क्रीन पे पिछले 6 मंथ्स यानी सितंबर 21 से फेब 22 तक का सब्सक्राइबर डेटा देख सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने कंसिस्टेंटली कस्टमर्स लूज किए हैं, वहीं अक्टूबर 21 को छोड़कर एयरटेल ने सभी मंथ्स में कंसिस्टेंटली कस्टमर्स ऐड किए हैं। और अगर हम रिलायंस जियो की बात करें तो पिछले 6 महीनों में जियो ने अप्रॉक्स 4.11 करोड़ कस्टमर्स लूज किए हैं, जो कि वोडाफोन आइडिया से भी ज्यादा है। तो यह था एक छोटा सा अपडेट टेलीकॉम स्टॉक्स के ऊपर। बाय।